started. So guys, this is the second match of Insignia PUBG Mobile Tournament. And guys, यहाँ पे जो पहला match था IG one horn Rhino. जो पहला मैच था वन हॉर्न राइनो ने 17 किल्स के साथ गाइज लिया था चिकन डिनर. यहाँ पे मुश्किल हो सकता है बाकी टीम्स वहाँ पे क्लोज पहुँचने के लिए, क्योंकि गाइज और यहाँ पे जो गाइज पहला मैच हुआ था जो बेस्ट ऑफ सिक्स मैच काउंट हो, बेस्ट ऑफ नहीं मतलब टोटल जो सिक्स मैच काउंट होगा उसमें जो पहला मैच गाइज जीता था वन हॉर्न राइनो के टीम, वन हॉर्न राइनो वन एचआर के टीम जीते थे गाइज 17 किल्स के साथ. गाइज यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो सबसे क्लोज है वन हॉर्न राइनो टीम के वो है आईजीसी के टीम. अभी सेकंड मैच है, आई थिंक टीम्स को थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए यहाँ पे. पहला मैच जिनको भी किल नहीं मिला, आई थिंक यहाँ पे पुश करना चाहिए. देखना ये होगा कि यहाँ पे वन हॉर्न राइनो की स्पाइडी के पास है 100 आरपी. अभी देखते हैं नोवो के पास कौन उतरते हैं. लास्ट टाइम वन हॉर्न राइनो की टीम उतरे थे नोवो में, पूरा लूट करके गए थे आराम से. यहाँ पे आई थिंक फिर से उतर चुके हैं यहाँ पे नोवो में. अभी यहाँ पे नोवो में दो टीम उतर चुके हैं गाइज, यहाँ पे तीन टीम उतर चुके हैं गाइज. ये हॉट ड्रॉप होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी हॉट ड्रॉप. थ्री टीम्स आर ड्रॉपिंग इन द सेम स्पॉट एंड आई थिंक गाइज यहाँ पे बहुत फसर मचने वाला है, क्योंकि गाइज नोवो में उतर चुके हैं तीन टीम्स. यहाँ पे वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न राइनो की टीम उतर चुके हैं यहाँ पे और उनके साथ है दो टीम्स. और वन हॉर्न राइनो के साथ जो उतर रहे हैं वो है टीम नंबर टू के ओहोम 110. और यहाँ पे गाइस टीम नंबर टू और टीम नंबर सिक्स ओहोम 110 वर्सेस वन हॉर्न राइनो के बीच यहाँ पे फाइट होगा. आई थिंक हाँ दो ही टीम उतरे हैं यहाँ पे. आई थिंक कोई एक ही टीम ब्रिज को क्रॉस करके जा पाएगा. यहाँ पे जोन अभी तक बना नहीं है और जो आर ओ जी के 50 KL के टीम है वो लैंड किए हैं मिलिट्री बेस में. और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के जो सबसे महंगा प्लेयर थे स्पाइडी, जिनके पास था 100 आरपी का प्लेन, यहाँ पे नोवो में लूट कर रहे हैं. और उनके सामने है गाइज टीम नंबर टू जो है असम 110 के टीम, असम 110 वर्सेस वन हॉर्न राइनो होगा. वन हॉर्न राइनो ने लास्ट मैच जीता था 17 किल्स के साथ चिकन डिनर लिया था. यहाँ पे उनके साथ सामने है आज अभी ओहोम 110 की टीम, यहाँ पे ओहोम 110 या फिर वन हॉर्न राइनो. देखना ये होगा. यहाँ पे बहुत डाउन कर दिया है यहाँ पे लेजेंड को, वन हॉर्न राइनो के लेजेंड बहुत डाउन है यहाँ पे. और यहाँ पे गन शॉट्स लेकिन अभी तक कोई डैमेज नहीं किया है यहाँ पे. टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर टू, वन हॉर्न राइनो वर्सेस होम 110 हम लोग देख रहे हैं. यहाँ पे वाइड फ्लैश हो रहे हो, यहाँ पे डाउन कर दिया है. यहाँ पे कोब्रेक्स ने डाउन कर दिया है. कोब्रेक्स हाईएस्ट किल ले चुके थे लास्ट टाइम. अभी यहाँ पे स्पाइडर को डाउन कर दिया है यहाँ पे. देखना ये होगा, बहुत मुश्किल में हो सकता है यहाँ पे. जो लास्ट मैच जीता था गाइज उनके एक मेंबर पहले ही डाउन हो चुके हैं अभी इस मैच में, लेकिन उनको रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं रसन और उनको कवर देंगे बाबा यागा. लेकिन यहाँ पे पुश कर सकता है यहाँ पे असम 110 की टीम, लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा. और यहाँ पे क्रिटो ने उनके मेंबर को डाउन कर दिया है. यहाँ पे आई थिंक जो एज लिया था ओहोम 110 ने अभी यहाँ पे पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रीबेल फोनोलुलु जो है यहाँ पे डाउन हो चुका है और यूएनडी के डार्क लॉर्ड यहाँ पे रिवाइव देते हुए और यहाँ पे आई थिंक फॉल बैक करेंगे. आई थिंक वो लोग वन हॉर्न राइनो की टीम आई थिंक अभी फाइट नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में है वो लोग 17 किल्स के साथ यहाँ पे. अभी यहाँ पे आई थिंक नहीं, वो लोग बस लूट रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे टीम नंबर टू रिवाइव होते हुए और आई थिंक फॉल बैक नहीं कर रहे यहाँ पे. और स्पाइडी लेकिन अभी भी अकेले ट्राई कर रहे यहाँ पे. और बाकी टीम्स के पास हम लोग जाते हैं यहाँ पे रोजॉक में जाते हैं. रोजॉक में है ओहोम जोरो, टकीला रोशन, टकीला विशु, बिकी है यहाँ पे रोजॉक में. जोरो के पास है वेक्टर,
वेक्टर है लेवल वन का वेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे रोजॉक में लूट रहे हैं और जॉर्जो पूल में गए। फिर से हम लोग देखा है कि आईजीसी की टीम यहाँ पे लूट करते हुए, आईजीसी की टीम जॉर्जो पूल के यहाँ पे सिटी में हमेशा लूट करते हैं आईजीसी की टीम। अभी भी गाइज लास्ट मैच में भी अभी देखा था और यहाँ पे 50 कैल स्पिरिट को डाउन कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आईजीसी के जो टीम है सेम स्पॉट में लूट रहे हैं, क्या जॉर्जो पूल वाले भी टीम सेम है? हम लोग जाएंगे जॉर्जो पूल में, जॉर्जो पूल में है टीम नंबर 5, जॉर्जो पूल में सेम टीम है गाइज आरओजी, उनके साथ कोई नहीं है, अकेले लूट रहे हैं जॉर्जो पूल। काफ़ी अच्छा खासा लूट मिलेगा यहाँ पे आरओजी के टीम को, और उनके पीछे है गाइज आईजीसी के टीम। यहाँ पे कोई फाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों लूटने में बिजी है। अभी नोवो में एक फाइट हुआ लेकिन एक एक बंदे डाउन थे, फिर से रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पे नोवो में। अभी आई थिंक फ्लैंक करने की कोशिश है लेजेंड का, यहाँ पे लेजेंड वन हॉर्न राइनो लेजेंड यहाँ पे प्रोन होके आई थिंक एंगल लेने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। अच्छा वाइट फ्लैंक कर लिया है यहाँ पे, पूरा घूम के आया है, देखना ये होगा क्या फ्लैंक सक्सेसफुल होता है या फिर अकेले डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे किरीटो है उनके पास और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो बहुत बड़ा रोटेट करते हुए यहाँ पे, और किरीटो के पास हाई ग्राउंड एडवांटेज है। और किरीटो जो है हाई ग्राउंड में है, यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं लेकिन उनके टीम में थोड़ा दूर है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किरीटो जो है जा रहे हैं अपने टीम के साथ यहाँ पे, नहीं तो सैंडविच बना सकते थे अपने टीम असम एक्सोडस मिलके। और यहाँ पे नोवो में दो टीम्स अभी भी सेफ है, अभी तक फायर नहीं किया है। देखा है गाइज हमने लास्ट मैच में भी जब तक जोन पुश नहीं करता तब तक ज़्यादा बंदे पुश नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रासन का एंगल है आई थिंक, यहाँ पे स्पॉट कर लिया है कोब्रेक्स को लेकिन 3x का सिंगल टैप से कोई डैमेज हुआ नहीं यहाँ पे। लास्ट मैच में गाइज हाई स्किल लेने वाला वन हॉर्न राइनो के रासन के पास है अभी M16 3x के साथ, यहाँ पे स्पॉट कर लिया है आई थिंक डार्क लॉर्ड को, अभी तक स्पॉट नहीं हुआ है। स्कोप करके देख रहे हैं यहाँ पे और वहाँ पे आई थिंक सैंडविच कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे होम एक्सोडास की टीम अभी निकल जाएंगे आई थिंक, वो लोग ने ऑलरेडी रोटेट कर लिया है आई थिंक, ब्रिज ले लेंगे, जोन है उनके पास लेकिन होम एक्सोडास की टीम फॉल बैक करते हुए यहाँ पे स्क्वाड हाउसेस के पास आई थिंक गाड़ी लेने का वो लोग का कोशिश रहेगा, ताकि वो लोग को पता है कि कौन सा टीम है वहाँ पे, क्योंकि एक एक मेंबर को डाउन कर दिया था वहाँ पे और लास्ट मैच वो लोग जीते थे, लेकिन अभी यहाँ पे होम एक्सोडास वाइट नहीं ले रहा। यहाँ पे गाड़ी में जैसे बोला गाइस यहाँ पे ये लोग का प्लान है कि हम लोग जोन में जाए एंड गेम खेले, तो यहाँ पे कोई पुश नहीं गया यहाँ पे, सक्सेसफुली निकल गए हैं और वन हॉर्न राइनो के टीम ने भी रोका नहीं है यहाँ पे, और टीम नंबर 2 आई थिंक जोन के लिए निकल जाएंगे। हम लोग जाएंगे बाकी टीम्स के पास यहाँ पे, कहाँ कौन यहाँ पे शेल्टर में एल आई एल की टीम है यहाँ पे जो शेल्टर में लूट कर रहा है, काफ़ी लाइक यूनिक चॉइस है यहाँ पे एल आई एल की टीम। लास्ट मैच में सेकेंड आए थे, कोई किल मिला नहीं था आई थिंक, थोड़ा सेफ खेल के कुछ लास्ट में एंड गेम चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे एल आई एल, क्योंकि लास्ट टाइम सेकेंड आए थे लेकिन किल पॉइंट्स कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जाएंगे हम लोग मिल्टा पावर के पास, गए मिल्टा पावर के पास है डार्क नाइट C2 स्वेच और आशीष उनके साथ है किराशा, और ये है चुपा चाबरा, चुपा चाबरा की टीम है मिल्टा पावर में। मिल्टा पावर में अभी तक कोई फाइट नहीं है लेकिन शेल्टर में है लिल की टीम, और काफ़ी टीम स्प्रेड आउट है, जोन भी है ऑलमोस्ट सभी के पास। यहाँ पे मिलिट्री बेस में भी जोन है और सोचनोवा मिलिट्री बेस में सक्सेसफुली यहाँ पे लूट रहे हैं 50 कैल के मेंबर,
50 कैल शेडो फेल्कॉन और स्पिरिट यहाँ पे लूट रहे हैं, कोई जोन का प्रेशर नहीं है यहाँ पे आराम से। आई थिंक ये हाउसेस में ज़्यादा लूट नहीं मिलेगा ये लोग के पास, गाड़ी की कमी की वजह से आई थिंक बाकी लेके रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जोन तो है, आई थिंक जोन की वजह से ब्रिज के थ्रू रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है अहोम 110, क्योंकि अहोम 110 भी सोच रहे वही ब्रिज से जाने के लिए जहाँ पे है 50 कैल की टीम। 50 कैल की टीम वही ब्रिज से जा रहे हैं और यहाँ पे 50 कैल के टीम अगर ब्रिज ब्लॉक करते हैं तो आई थिंक विक्टिम बन सकता है अहोम 110 के टीम, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते में नहीं है। अहोम 110 अभी उतर चुके हैं और वो लोग को आई थिंक पता चल जाएगा कि मिलिट्री बेस लूटेड है और अहोम 110 मिलिट्री बेस में सफ़र करते हुए, लेकिन यहाँ पे देख लिया है शायद लूटेड है मिलिट्री बेस, लेकिन फिर भी लूटने का कोशिश यहाँ पे आई थिंक कोई नहीं है। यहाँ पे 50 कैलिबर जो मिलिट्री बेस लूट के आए थे काफ़ी अच्छी पोजीशन में है दोनों। ये ब्रिज आई थिंक वो लोग के हाथ में है, यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोग आई थिंक बहुत क्लोज है और पता नहीं ये कोई आसपास टीम नहीं है। ये ब्रिज, अच्छा यहाँ पे कोई ब्रिज ब्लॉक था नहीं, लेकिन वन हॉर्न राइनो सोचा कि जो अहोम 110 है वो ब्रिज ब्लॉक कर सकते हैं गाइज, इसीलिए बोट से जा रहे हैं यहाँ पे। वो लोग रास्ते से भी जा सकते हैं, वो लोग के लिए रास्ता खाली था गाइज यहाँ पे, लेकिन वो लोग बोट लेके जा रहे हैं। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो ने एस्टिमेट किया कि 110 जिसके फाइट हुआ था नोवो में, एक एक मेंबर ट्रेड किए थे, कोई मरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे गाइज रोटेट कर लिया है जोन बोट के थ्रू, कोई रिस्क नहीं लिया ब्रिज ब्लॉक का, क्योंकि आप अभी जो है रिस्क नहीं ले सकते। सभी टीम्स अलाइव है गाइज, कोई अभी तक डाउन नहीं हुआ है, नॉक्ड आउट हुए थे लेकिन रिवाइव करके अभी सभी टीम सेफ है, लेकिन यहाँ और फाइट हो चुका है। यहाँ पे बहुत बचा बच चुका है, यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो का फाइट हुआ था, गाड़ी आई थिंक बहुत लो हेल्थ में थे। यहाँ पे टीम नंबर 14 के जो है चुपा चावरा वर्सेस वन हॉर्न राइनो, काफी लो किए थे लेकिन फुल हेल्थ से आ रहा है अभी। यहाँ पे पुश करेंगे आई थिंक वन हॉर्न राइनो की टीम अभी फाइट करेंगे, यहाँ पे वो लोग फॉल बैक नहीं करेंगे। यहाँ पे गाड़ी को काफ़ी डैमेज कर दिया है यहाँ पे आई थिंक, और 2-3 हिट से पूरा 4 किल पूरा स्क्वाड वाइप हो सकता था यहाँ पे। अच्छा डिसीजन लिया कि गाड़ी चेंज किया और यहाँ पे पुश आते हुए वन हॉर्न राइनो जो है 17 किल्स के साथ, वन हॉर्न राइनो फिर से अपने खाते में किल जोड़ने का कोशिश है। यहाँ पे वन हॉर्न किरीटो और रसन यहाँ पे फ्लैंक करते हुए बाबा यागा आ रहा है, यहाँ पे स्पाइडी वहाँ पे होल कर रहे हैं देखने के लिए कि राइट से कोई फ्लैंक ना करे, और यहाँ पे आशीष जो है पीछे होल बैक कर रहे हैं और यहाँ पे एडवांटेज हाई ग्राउंड का एडवांटेज ले रहे हैं। बाकी टीम मैच देख रहे हैं कहाँ से बंदे आ रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे स्पॉट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेड आया है, नेड वॉल में लग के बाहर गिरा, कोई डैमेज नहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा नेड था लेकिन नेड को पोजीशन नहीं कर पाई, यहाँ पे M24 का शॉट दिया है और यहाँ पे स्पाइडी जो है पीछे से एंगल बनाने का कोशिश है। यहाँ पे आशीष का आई थिंक कोई पता नहीं है कि वो राइट में होल कर रहे हैं, यहाँ पे हील कर रहे हैं टीम नंबर 14 चुपा चापड़ा के। फिर से नेड आया, इस बार नेड से डाउन, यहाँ पे नेट से नहीं डाउन, यहाँ पे M4 से डाउन कर दिया है, यहाँ पे पुश कर रही है और यहाँ पे दो बंदे नेट करते हुए वन हॉर्न राइनो की टीम पूरा नेट घुसा दिया है घर में, और यहाँ पे एक ही बंदा है रिवाइव करने के लिए और सभी वन हॉर्न राइनो के 4 मेंबर आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो ने खत्म कर दिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा टीम मेट्स को यहाँ पे फिर से खाते में ले लिया है 3 किल्स वन हॉर्न राइनो, जो पहला मैच जीतता था अभी यहाँ पे वन हॉर्न राइनो ने 3 किल्स जोड़ के टोटल 20 किल्स ले लिया है अपने खाते में यहाँ पे, और टीम नंबर 14 के जो है चुपा चाबरा के एक ही मेंबर जो बाहर खड़े थे बस वहीं पे आशीष ने वहाँ पे फ्लैंक किया था, आई थिंक आशीष को सपोर्ट देना चाहिए था यहाँ पे।
चारों बंदे मिलके पुश के घर में, लेकिन वहाँ पे 4v2। यहाँ पे हम लोग जाएंगे रॉग के पास, रॉग और टकीला के पास जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे विक्की के पास है ऑग और डीपी विद ए गिली सूट। यहाँ पे डाउन हो चुके हैं विक्की। विक्की के टीम नंबर AS01 पीछे से आ रहा है। यहाँ पे टीम नंबर 5 है ROG के टीम, और टकीला वर्सेस रॉक फाइट हो रहा है। यहाँ पे नेट फेंका है, नेट का आई थिंक कोई डैमेज नहीं होगा। यहाँ पे रॉक के बंदे 2 लो हेल्थ में है, और यहाँ पे स्क्वाड हाउसेस में बहुत रोमांचक फाइट होते हुए ROG वर्सेस टकीला। यहाँ पे अच्छा फ्लेयर ड्रॉप मंगाया था यहाँ पे AS01 के टीम ने, और फ्लेयर ड्रॉप को फॉलो करते करते आ पहुंचे हैं टकीला के टीम। और टकीला के टीम यहाँ पे साइड से फ्लैंक करने का कोशिश, टकीला बिश और बिकी है यहाँ पे, जोरो है यहाँ पे, और टकीला रोशन यहाँ पे स्क्वाड हाउसेस की तरफ फ्लैंक करते हुए। और यहाँ पे रॉक के मेंबर अभी भी काफ़ी अच्छे हेल्थ में है। नेट फेंका, मॉली फेंका, और यहाँ पे नेट से डाउन हो चुके हैं रॉक के एक मेंबर को। क्या पुश करेंगे या फिर कवर देंगे? रॉक के टीम यहाँ पे डाउन। यहाँ पे बिशु ने फायर किया यहाँ पे, लेकिन आई थिंक फायर रोकना नहीं चाहिए था। यहाँ पे विक्की पीछे से कवर दे रहा है ऑक से, काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है यहाँ पे रॉक वर्सेस टकीला। यहाँ पे हील कर रहा है, यहाँ पे आई थिंक पुश होने ही वाला है अभी, क्योंकि बंदे नॉक्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे विक्की को डाउन कर दिया। आई थिंक विक्की ने अकेले पुश करने का कोशिश किया था, यहाँ पे विक्की को डाउन कर दिया। बहुत ही बंदे बहुत लो हेल्थ में है, और यहाँ पे भाषण मच चुका है कौन किसको मार रहा है। और यहाँ पे विक्की बचा है, विक्की डाउन है, और AS01 के 3 मेंबर को खा चुके हैं टकीला टीम। और यहाँ पे BC यमराज बाकी है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ चुके हैं गाइस AS01 के नहीं, एक ही बंदा आया था रॉक को फिनिश कर दिया था यहाँ पे, और पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी का। बहुत ही बेहतरीन नजरिया, और यहाँ पे डाउन कर दिया है टकीला विश को डाउन कर दिया, और यहाँ पे टकीला रोशन को भी डाउन कर दिया है, और AS01 के 2 मेंबर डाउन है। विक्की है अकेले, क्या विक्की ले पाएंगे? यहाँ पे विक्की ने 2 को डाउन कर दिया, और विक्की बहुत ही लो हेल्थ में है, लेकिन AS01 के मेंबर बहुत अच्छे हेल्थ में है। यहाँ पे टकीला टीम को खत्म कर दिया, सारे बंदे नॉक डाउन थे, लेकिन AS01 के बंदे के पास लाइक 80% हेल्थ था, और विक्की के पास 10% हेल्थ था। जी जी वेल ट्राई, आई थिंक विक्की को पहले हेल्थ लेना चाहिए था, क्योंकि 9 क्योंकि 3 बंदे को डाउन कर दिया था यहाँ पे, 3 बंदे डाउन थे बस, 3 बंदे डाउन थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैच निकाल नहीं पाए क्योंकि बहुत लो हेल्थ में थे। और यहाँ पे रॉक को ख़त्म कर दिया था टकीला ने, और टकीला को ख़त्म कर दिया है यहाँ पे AS01 गाइस। यहाँ पे ये होता है गाइस थर्ड पार्टी एडवांटेज, और यहाँ पे अभी तक खाता नहीं खोला है IGC के टीम ने। IGC के टीम ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे किल्स लेके यहाँ पे आई थिंक अगर IGC को ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो किल्स लेना ज़रूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक भी किल मिला नहीं है IGC की टीम। यहाँ पे फिलहाल तो है अपार्टमेंट्स में, जो स्कूल के ऐप्स है वहाँ पे काफ़ी कभी स्टार्टिंग में सेफ रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा स्क्वाड में रश हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है यहाँ पे स्कूल ऐप्स में। लेकिन यहाँ पे UND डार्क लॉर्ड डाउन कर रहे हैं LIL को। हम लोग जाएंगे टीम नंबर 2 के पास, यहाँ पे कोप्रेक्स फाइट ले रहा है LYL के साथ शेल्टर में, और यहाँ पे रोजा चलाते हुए वन हॉर्न राइनो कोप्रेक्स। यहाँ पे लेजेंड जो है डाउन हो चुका है, यहाँ पे कोप्रेक्स के साथ फाइटिंग हो रहा है, और यहाँ पे LIL वर्सेस होम 110 हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक खत्म कर दिया पूरा टीम को, और यहाँ पे शेल्टर में लूट के आए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा टीम को ख़त्म कर दिया है होम 110 के टीम। होम 110 के एक मेंबर जो है लेजेंड MG यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे 3 मेंबर्स ने पूरा स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे LIL स्क्वाड को यहाँ पे जोन में रोटेट करके आना होगा 50 कैलिबर को, और स्कूल ऐप से रोटेट कर रहे IGC के टीम, और AS01 जो थर्ड पार्टी करके आया है अभी टकीला के साथ, अभी रोटेट करेंगे जोन में। टीम नंबर 8 जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि वो लोग जोन में है और यसनाए में है,
यशनाय में पुश करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि यशनाय में गाइस आपके पास बहुत कवर रहता है, बहुत घर रहता है, तो यशनाय में पुश करना इतना आसान नहीं है और अच्छी पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 8 बहुत सेफ है, उनके पास कोई नहीं है और वो लोग है जोन में। और ड्रॉप जो गिरा है वो है मैंशन के पास, मैंशन के पास अभी कोई भी टीम नहीं पहुँचा है, 7 टीम्स बाकी है। वन हॉर्न राइनो के टीम को रोटेट करके आना पड़ेगा, फिलहाल तो वो रेड जोन से गुजर रहा है, यहाँ पे ब्लू जोन में भी है यहाँ पे। और टीम नंबर 14 के जो लास्ट बंदा है वो मिल्टा में उनके टीम खत्म हो गया था लेकिन यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे शेडो डाउन है, यूएनडी के साथ फाइट हो चुका है, फिर से हम लोग जाएंगे 50 कैल के साथ। और यहाँ पे ये स्क्वाड हाउस में पुश होता रहता है और यहाँ पे पुश कर दिया है कोब्रेक्स ने डाउन कर दिया। कोब्रेक्स ने यहाँ पे एक ही मेंबर डाउन है, एक ही मेंबर बचा। और यहाँ पे गाइज थर्ड पार्टी फिर से करने आ गए हैं AS01 ने ऑलरेडी एक बार थर्ड पार्टी किया है और फिर से एक बार थर्ड पार्टी करने आ चुके हैं AS01 इस बार गाइज थर्ड पार्टी करेंगे। और होम 110 को गाइज सक्सेसफुली वो लोग ने 2 बार थर्ड पार्टी कर दिया है AS01 ने अभी फिर से होम 110 को पूरा एलिमिनेट कर दिया है। होम 110 ने अभी जस्ट पहले LIL को ख़त्म किया था, यहाँ पे वो लोग ठीक से हील भी नहीं हो पाए और AS01 ने फिर से थर्ड पार्टी कर दिया है। यहाँ पे देखना ये होगा एग्जॉटिक और IGC की टीम को अभी तक कोई किल नहीं मिला है, बहुत सेफ पोजीशन में है, अभी तक किल मिला नहीं है IGC के किसी भी मेंबर को, शेल्टर के पास है। और वन हॉर्न राइनो जो है मिल्टा से रोटेट करेंगे, यहाँ पे बाबा यागा स्पाइडी राशन और किरीटो है यहाँ पे, 3 किल्स के साथ है यहाँ पे वन हॉर्न राइनो की टीम। और यहाँ पे जो है टीम नंबर 14 है वो रोटेट कर रहे हैं ड्रॉप के पास, टीम नंबर 13 IGC के टीम ने ड्रॉप को स्पॉट कर लिया है और IGC आई थिंक ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप के पास है टीम नंबर 13 IGC Fusion Exotic Insane और CVX Star है यहाँ पे IGC के टीम। और ड्रॉप के पास है, आई थिंक ड्रॉप को स्पॉट नहीं किया है अब तक। और जो 5 टीम्स बाकी है वो है AS01 अभी बहुत अच्छा खेलते हुए, काफी अच्छा किल है उनके पास, 6 किल है। देखना ये होगा क्या वो लोग वन हॉर्न राइनो के पास पहुंच सकता है क्योंकि वन हॉर्न राइनो के पास है 17 किल और 6 किल्स के साथ यहाँ पे है AS01 के टीम। AS01 के टीम है यहाँ पे होम 110 को अभी जस्ट थर्ड पार्टी किया था, अभी यहाँ पे सेफ है। और उनके सामने है जो लास्ट मैच के हाईएस्ट किल वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो और AS01 काफी आमने सामने है यहाँ पे, आमने सामने है यहाँ पे। BC यमराज दूसरा गाड़ी लेते हुए और AS01 जो है अपना गाड़ी निकाल रहे, सभी जोन के लिए रोटेट कर रहे हैं, जोन के काफी क्लोज है लेकिन अभी तक अभी यहाँ पे जोन फेवर कर रहा है टीम नंबर 6 को, शॉर्ट पड़ गया है यहाँ पे, आई थिंक स्पॉट कर लिया है यहाँ पे IGC वन हॉर्न राइनो के बंदे ने, वन हॉर्न राइनो है यहाँ पे। और उनके पास है जो हाई स्किल वाले टीम AS01 और यहाँ पे AS01 ने स्पॉट कर लिया है और BC यमराज फ्लैंक करने का सोच रहे हैं यहाँ पे। वन हॉर्न राइनो की टीम है यहाँ पे ब्लू वेयर हाउस में और वेयर हाउस के पास पहुंच चुके हैं BC यमराज फ्लैंक करने की कोशिश है यहाँ पे, M24 का शॉट्स दे रहे हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी कर चुके हैं और यहाँ पे डाउन कर दिया स्पाइडी को, यहाँ पे एग्जॉटिक दे रहे थे, एग्जॉटिक के टीम M24 चला रहे थे लेकिन इस बार पहली बार AS01 थर्ड पार्टी के शिकार हुए हैं यहाँ पे, 2 बार थर्ड पार्टी किए हैं AS01 ने, अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गए है। और यहाँ पे लॉन्ग रेंज फायरिंग से कोई डैमेज नहीं लेगा यहाँ पे
काफ़ी अच्छा खासा स्मोक हो गया है, एक एक बंदे डाउन है। वन हॉर्न राइनो के मेंबर अभी रिवाइव हो चुके हैं, आई थिंक वो लोग हाई ग्राउंड लेके पीपीपी लेंगे आई थिंक, ताकि उन लोगों को ओ यहाँ पे काफ़ी खासा डैमेज दिया है इंसेन को। और यहाँ पे AS01 की टीम फ्लैंक करने की कोशिश, और यहाँ पे किरीटो जो है एक एंगल पकड़ के बैठे हैं, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है, और पूरा वेयरहाउस जो है यहाँ पे पकड़ के रखा है वन हॉर्न राइनो की टीम, घेर के रखा है। और AS01 की टीम जो हाई स्किल के साथ है यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश, आमने सामने है AS01 और रासेन जो हाई स्किल थे लास्ट मैच में, यहाँ पे नेट खोला है, ये फेक नेट भी हो सकता है, यहाँ पे नेट फेंकते हुए बहुत अच्छा डैमेज, और यहाँ पे खुद के नेट से यहाँ पे नेट जो राशन ने फेंका था उसका नेट का डैमेज, और यहाँ पे किरीटो का फायरिंग से फिनिश कर दिया है यहाँ पे AS01 के मेंबर को। एक मेंबर डाउन हो चुका है यहाँ पे बीसी यमराज जो अकेले फाइट लेने चले थे वन हॉर्न राइनो के साथ। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के जो टीम है यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पे ब्लू वेयर हाउस यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। बाबा यागा को हम देखते हैं, बाबा यागा यहाँ पे ऊपर पेन किलर लेते हुए काफी अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पे होल्ड करके रहते हैं, जोन है यहाँ पे, तो बाबा यागा काफी अच्छी पोजीशन में है और डिफेंड करने का इरादा होगा क्योंकि चार किल्स है लास्ट मैच में, 17 किल के साथ थे वन हॉर्न राइनो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा इस किरीटो भी दूसरा कोना पकड़ लिया है, यहाँ पे सभी ने एक एक कोना पकड़ लिया है ब्लू वेयर हाउस का, जो बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। वन हॉर्न राइनो की टीम पूरा यहाँ पे वेयर हाउस डिफेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 9 जो है AS01 उनके एक मेंबर को फिनिश कर दिया यहाँ पे, तो किल कंफर्म होने के बाद वो लोग ने सोचा कि 3v4 फाइट नहीं लेंगे, और वो लोग जोन के पीछे से रोटेट करते हुए, और यहाँ पे AS01 का फाइट हो चुका है टीम नंबर 8 के साथ जो है छुपा काबरा, और यहाँ पे फिनिश कर दिया है AS01 ने। AS01 के बंदे ने यहाँ पे छुपा काबरा को डाउन करते हुए यहाँ पे फिर से कवर फायर देते हुए, लेकिन कोई डैमेज नहीं लेंगे, और यहाँ पे ओ गाड़ी को जला के पूरा टीम को खत्म कर दिया, यहाँ पे पूरा टीम को फिनिश कर दिया यहाँ पे AS01 को। वो लोग ने सोचा था गाड़ी रोक के हील करने का, लेकिन वहां पे गाड़ी घुमाते पूरा गाड़ी को खत्म कर दिया। यहाँ पे IGC के बंदे ने अपना खाता खोला है, IGC CVX ने एक मेंबर को डाउन किया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे IGC के पास, यहाँ पे इंसेन डाउन होते हुए इंसेन को डाउन कर दिया स्पाइडी ने, काफी लॉन्ग रेंज DP चला रहा है यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के स्पाइडी। और यहाँ पे IGC के बंदे अभी भी सुरक्षित है, उनके पास एक गाड़ी भी है फॉर मोबिलिटी, आई थिंक वो एडवांटेज हो सकता है वहां पे IGC की टीम अगर जोन और रोटेट करना है। यहाँ पे आई थिंक बहुत बुरा डिसीजन है IGC CVX का, उसको फ्री में नॉक नहीं होना चाहिए, आई थिंक पीक नहीं करना चाहिए था यहाँ पे ये सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए गाइज जोन ने लक नहीं दिया है IGC का, तो गाइज IGC को गाइज आई थिंक रोटेट करना पड़ेगा। और वन हॉर्न राइनो के पास इस बार जोन है, लास्ट टाइम उनके पास 17 किल्स थे, इस बार उनके पास जोन है गाइज वन हॉर्न राइनो के पास, और पूरा ब्लू वेयर हाउस जो है डिफेंड करेंगे, चार टीम्स है, क्या इस बार भी वन हॉर्न राइनो ले पाएंगे। पीछे से आ रहे हैं छुपा चौबरा के टीम, और आगे है IGC के टीम, और टीम नंबर 14 है यहाँ पे, तो वन हॉर्न राइनो के पास गाइस बहुत एडवांटेज है, अपने खाते में ऑलरेडी जो हो चुके हैं चार किल्स, जो हो चुके हैं 21 किल्स, और यहाँ पे होल कर रहे हैं, और फ्यूजन ने डाउन कर दिया है यहाँ पे, डाउन करके फिनिश कर दिया यहाँ पे MK14 से यहाँ पे डाउन कर दिया है छुपा चाबरा को। और यहाँ पे IGC के पूरा टीम है, और यहाँ पे IGC के टीम आई थिंक यहाँ पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं कि राइट फ्लैंक करते हुए वाइट फ्लैंक कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी में
कोई डैमेज लगा नहीं, ये डिसीजन अच्छा हो सकता है क्योंकि पीछे से फ्लैंक करने का सोच रहा है यहाँ पे, और डाउन कर दिया टीम नंबर 8 के छुपा छापरा को, और यहाँ पे एक ही मेंबर बचेंगे, और यहाँ पे गाइज वन हॉर्न राइनो अपने खाते में और एक किल जोड़ते हुए, और वन हॉर्न राइनो काफी अच्छी पोजिशन में है। यहाँ पे टीम नंबर 8 को यहाँ पे स्प्रे कर दिया है जीएल वन हॉर्न राइनो के राशन ने यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत लो कर दिया है आईजीसी के टीम ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया। फ्यूजन वहाँ से रोटेट करते हैं लेकिन जोन का डैमेज लेके यहाँ पे रोटेट करेंगे, फ्यूजन जोन का डैमेज लेके रोटेट करेंगे, MK14 से डैमेज देने का ट्राई लेकिन कोई डैमेज नहीं होगा ज़्यादा डैमेज यहाँ पे। वन हॉर्न राइन अभी भी सुरक्षित है यहाँ पे आईजीसी को, आईजीसी फ्यूजन को बहुत, ओ यहाँ पे ओम का शॉट पड़ा, और लेकिन आईजीसी फ्यूजन नहीं रहेंगे, जोन से वाइट फ्लैंक करने का कोशिश, लेकिन यहाँ पे वाइट फ्लैंक का कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा जोन का, और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो को राशन को डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ पे गाइस 3v3 सिचुएशन है। यहाँ पे आई थिंक इनसेन बोल रहा है कि पुश करना चाहिए, देखना ये होगा क्या इनसेन पुश करने का डिसीजन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गाइस 7 मेंबर अलाइव है 3v4 vs 1 सिचुएशन, यहाँ पे पूरा टीम गाइस जिंदा है, यहाँ पे अपने खाते में जुड़ चुका है बहुत, जो आई थिंक हम लोग जाएंगे यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के पास, वन हॉर्न यहाँ पे बाबा यगर ने डाउन कर दिया है, यहाँ पे मैं जैसे कैमरा स्विच किया यहाँ पे डाउन कर दिया इनसेन को, इनसेन ने पुश करने का सोचा था, यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के स्पाइडर में पीछे से आके किल कंफर्म कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आईजीसी के एग्जॉटिक डाउन है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनो फिर से एक बार कमाल दिखाते हुए यहाँ पे एग्जॉटिक डाउन है, और CVX को नॉक, CVX आई थिंक रिवाइव कर देंगे यहाँ पे, लेकिन हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है CVX के पास। यहाँ पे गाइस बस अभी 4v2 सिचुएशन है, अभी फिर से ओ यहाँ पे डाउन, आई थिंक यहाँ पे क्रीटो ले जाएंगे क्योंकि क्रीटो बहुत वाइट फ्लैंक कर चुके हैं यहाँ पे, क्रीटो ओ डाउन कर दिया है यहाँ पे, CVX है वन हेल्थ, और यहाँ पे CVX है बस बचा है, लेकिन पीछे से स्पाइडी खत्म कर देंगे यहाँ पे, GG वन हॉर्न राइनो फिर से ले गए हैं ये मैच, इस बार 10 किल्स के साथ ले गए हैं वन हॉर्न राइनो ने, 10 किल्स के साथ वन हॉर्न राइनो फिर से जीत जाता है मैच 2।